नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल कैबिनेट बैठक में एक बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, आउटसोर्स, इसके अलावा नई भर्तियों पर भी फैसले होने की संभावना है। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार रूप से इस खबर को। तो 25 जून को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, सीएम की घोषणाओं पर लगेगी मुहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 25 जून को आयोजित की जाएगी। पहले सरकार ने 23 जून को मंत्रिमंडल की बैठक की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए बैठक को 25 जून किया गया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जल शक्ति विभाग सहित विभिन्न अन्य विभागों में पदों को भरने को मंजूरी मिल सकती है। अकेले जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर पॉलिसी के तहत विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के पे स्केल में लगाए गए राइडर के मामले पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। कर्मचारी लगातार इसे हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को सिरे चढ़ाने को लेकर भी चर्चा होनी है। जानकारी है कि मुख्य सचिव ने भी सभी सचिवों व अन्य विभाग अध्यक्षों से इससे संबंधित सूचना तलब की है। इसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि आउटसोर्स पॉलिसी पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारियों को पॉलिसी लाने का प्रलोभन सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तो यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 25 जून को आयोजित की जाएगी। तो पहले यह बैठक 23 जून को करने को लेकर इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, तो ये बैठक में एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो इस बैठक में कर्मचारियों, इसके अलावा आउटसोर्स, वहीं नई भर्तियों को लेकर सरकार के द्वारा मंजूरी मिल सकती है। तो यही थी बड़ी विशेष खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।